नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कांग्रेस नेताओं ने जनपद परिसर को बना दिया गौशाला। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में सड़कों पर बैठी गायों को कांग्रेस के लोगों ने घेर कर जनपद पंचायत परिसर में एकत्रित कर दिया। वहीं पर उनको चारा भूसा खिलाकर जमकर नारेबाजी की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गौशाला बनवाने के उद्देश्य से भटकी प्रदेश की भाजपा सरकार को गौवंश को सुरक्षा चारा भूसा के इंतजाम किए जाने के नेतृत्व वाली सरकार ने सड़कों पर भटकती बेजुबान बेबस लाचार भूख से तड़पती गौ माता को पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण कराकर गौवंश को आश्रय दिया था। कमलनाथ सरकार की गौ आश्रय नीति को दरकिनार कर धन बल के जोर पर बनी भाजपा सरकार ने गौ माता को फिर से दाने दाने को मोहताज कर दिया। गौ माता को आश्रय न मिलने के विरोध में मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दाने चारे को भटकती सभी गौ माताओं को एकत्रित कर जनपद पंचायत ग्यारसपुर के परिसर में सीईओ जनपद पंचायत के हवाले किया। जिला पंचायत के निर्देशानुसार जिले भर में कांग्रेस पार्टी निरीह मूक प्राणी गौ माता की आवाज बनकर सीईओ जनपद पंचायतों के सुपुर्द किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश कटारे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गजराज सिंह कुशवाहा, जिला कांग्रेस से नियुक्त प्रभारी सचिन भावसार, जीवन लाल शर्मा, राजेश आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थित में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। विदिशा ग्यारसपुर से आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार।